9 अक्टूबर है और ये MT5 रियल अकाउंट है और टोटल इसमें बैलेंस है 22.94। बैलेंस आपने देख लिया, इक्विटी आपने देख ली किधर चल रही है। इस ट्रेड को वैसे तो मैंने तकरीबन 6 बजे 6:15 बजे से पकड़ा हुआ है, लेकिन आप देखें ना कितनी सारी एक्युमुलेशन हुई यहाँ पे। देखें यहाँ से मैंने पहली ट्रेड पकड़ी थी जिसपे वो $2 का वो जो $2.50 है नुकसान हुआ, तो जैसे ही वो $2.50 पे मैंने एस एल एक रखा हुआ था थोड़ा नीचे करके, 0.01 की लॉट थी, फिर मैंने इसको बंद कर दिया। उसके बाद अगली लॉट जो है ना वो हमने यहाँ से पकड़ी है, यहाँ से जो ये लॉट पकड़ी इसको 1 मिनट में जो है ना वो हमने एविडेंस लिया था। और उसके बाद जो है ना वो देखें अब ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के लो लाइन के अंदर दाखिल हो चुकी है और जो प्रॉफिट है माशाल्लाह से वो $8 पे पहुंच गया हुआ है। बस इसी का ही वेट कर रहा था। इतनी देर से वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था कि यहाँ से आई नीचे 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 नीचे, तो भाई क्या ही दिखा के आपको मैंने करना था इसका। तो अभी अंदर दाखिल हुई है सेटअप के अंदर, तो फिर मेरा थोड़ा सा हिम्मत मेरी बनी है। दरअसल सही में जो बाय है वो इस अपर लाइन के ऊपर क्लोजिंग पे है, लेकिन हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को, अच्छा ये भी बता दूँ ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था। देखें ये वाला ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट के अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखें ये रहा, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक को जो है ना वो वैसे हमने टारगेट किया है, लेकिन मैं ज़रा जल्दबाज आदमी हूँ, कभी कभी जल्दबाजी कर जाता हूँ, वैसे बेवकूफ़ी कर देता हूँ, तो मैं यहाँ से इंटर हो गया था जिससे मैंने $2.25 के लॉस भी किया है, बट कोई बात नहीं। अच्छा अभी क्या करेंगे हम के देखें यहाँ से जो हमने ट्रेड पकड़ी है, मेरा ख्याल है कि जो है ना वो अब इसको ना मैं ऊपर ले आऊँ, क्योंकि मार्केट का मार्केट इतनी अजीब है ना, इसका कोई पता नहीं है, तो मैं मार्केट को जाना वो कम से कम यहाँ पे ले आऊँ 26.10 200 180 पे, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ ना तो कितना लॉस या प्रॉफिट है, प्रॉफिट है जी 68 सेंट। तो इसको इसलिए मैं ऊपर रख रहा हूँ, बंद इसलिए नहीं कर रहा कि ना इसने ऊपर जाना है, मैं इससे टारगेट अच्छा लेना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा ज़रा इससे ऊपर निकल जाए मार्केट तो मैं शायद इसको बंद कर दूँ, क्योंकि ऊपर निकलने के बाद ये वापस नीचे आएगी तो मैं फिर से इंटर हो जाऊँगा इसके अंदर ना, तो कम अज़ कम यहाँ तक तो टारगेट दे दे मुझे ये। बहरहाल मैं इसको जो है ना वो यहाँ पे बंद कर दूंगा, थोड़ा सा ऊपर निकला है बस, बाकी $10 मिल रहे हैं माशाल्लाह से, माड़े नहीं हैं, ठीक है, बट ये मज़ीद ऊपर जा सकती है। अच्छा इसको जो है ना वो होल्ड करना बड़ी बात होती है, जो कारीगर लोग हैं ना, अब मैं तो खुद को कारीगर नहीं एक्सपर्ट या ऐसा कुछ भी नहीं कहता, मैं तो खुद तालिबे इल्म हूँ, अभी मुझे तो 3.5 साढ़े 3 मंथ ही हुए होंगे, बट जो एक्सपर्ट हजरात हैं वो होल्ड करते हैं। अच्छा होल्ड कहाँ तक, मैंने जो सोचा हुआ है मैं यहाँ तक करूँगा, एशिया के हाई तक इसको जो है ना वो होल्ड करूँगा, ये देखिए ना ये एशिया का हाई है ये यहाँ पे, तो मेरा इरादा है कि मैं यहाँ तक होल्ड करूँ, लेकिन अगर ये इसको मोमेंटम के साथ थोड़ा सा निकलती है तो इसको जहाँ तक ये जाती है कम अज़ कम यहाँ तक इसका मैं टारगेट ले लूँगा और निकल जाऊँगा। मैं 1 मिनट में आ जाऊँ सर, 1 मिनट में, ताकि ना यहाँ से मुझे पता चल जाए, अगर ये वापस जाती है मैं इसको ख़त्म कर दूँगा, ठीक है ना। ये देखें ना अगर ये कैंडल यहाँ से वापस जाना स्टार्ट होती है तो मैं इसको ख़त्म कर दूँगा, बल्कि मैं यहाँ पे इधर ला के रख देता हूँ ये ऐसे को ना, ये एग्जैक्टली इसके नीचे और इसको भी इसके नीचे, एक्चुअली मैं यहाँ पर आ गई हुई है ये, अब यहाँ से अगर ये नीचे जाती है तो इसको हिट करके मुझे जो भी $8-9 मिलेंगे वो बुक कर दूँगा मैं, और अब देखे ना थोड़ा सा ब्रीथ करके ये जा सकती है वापस ऊपर जा सकती है और वापस भी आ सकती है, वापस आएगी तो डेफिनेटली इसको अभी ये टच कर देगी, तो एक उम्मीद होती है कि यार हो सकता है मार्केट यहाँ से चली ही जाए ऊपर, तो इसलिए जो है ना वो फिर हम इसको फ़ौरन ख़त्म नहीं करते, $2.5-3 की कुर्बानी देनी पड़ती है हमें, वरना यहाँ पे कर लेंगे तो $11-12 मिल जाएंगे, वापस इसको करेंगे तो $7-8 या $9 मिलेंगे जो भी है जो भी सीन हो, बहरहाल हम वेट करेंगे इसका थोड़ा सा ऊपर जाने का, और इसको SL को जो है ना वो अपने को ऊपर करते रहेंगे मज़ीद, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी है भाई, जब आप लो प्रोबेबिलिटी सेटअप पे शामिल हो, अभी हाई बनने वाला है, बना नहीं है, हाई कब बनेगा जब ये एक मरतबा इसको क्रॉस कर देगी यहाँ पे 5 मिनट की, 1 मिनट गलत तो नहीं बता रहा मैं आपको, हाँ यहाँ पे इस वाली लाइन को, ठीक है ना, मोमेंटम के साथ
लो जी वापस आ रही है मार्केट। चलो कोई बात नहीं, आने दें, ये इसको हिट करना ही चाहती है। अगर इसमें थोड़ा सा जिसे तप्पड़ बोलते हैं थोड़ा सा सांस होगा तो ये इसको क्रॉस करके निकल जाएगी, अच्छा प्रॉफिट दे जाएगी, वापस आ जाएगी, तो $5-8 जितने बनते हैं वो यहाँ पे मेरे बुक हो जाएंगे। ठीक है जी, आपके सामने ये इस वक्त चरण है और ये हुआ एसएल। तो भाई के जो है ना, अरे कर दे भाई तू भी बंद, तू क्यों, अच्छा वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा नीचे रह गई थी। अच्छा तकरीबन $22 थे तो ये ऑलमोस्ट 31.96 यानी 32 ही हो चुके हैं, 10 कह लें आप इसको बाहर, तो $10 हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जो सेटअप है ना वो नहीं बन रहा दरअसल मज़ीद ट्रेड का, क्योंकि या तो इस अपर लाइन को क्रॉस करे मोमेंटम के साथ, फिर क्रॉस करने के बाद एक वहाँ लग सकती है और वापस एक जब थोड़ा ऊपर जाने के बाद वापस आए तो एक यहाँ नीचे इधर से लग सकती है इस ऑर्डर ब्लॉक से। बट 9 बजने वाले हैं, मुझे भी नींद आ रही है, तो मेरे ख्याल में 10 काफ़ी हैं, ज़्यादा लालच नहीं करते, इस वीडियो को इधर ही बंद करते हैं। अगर मेरी नज़र में ये आ गया तो मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा, वरना आज की डेट में 10 ही समझा जाए, 10 पे ही बस कर दें, माशाल्लाह से बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। सो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।